गेस वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स तो काफ़ी अच्छी वीडियो निकल के आ रही है काफ़ी अच्छी जॉब निकल के आ रही है तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए भी होने वाला है और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए भी होने वाला है तो मॉर्निंग में जो जो वीडियो डाली थी वो 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 एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए था पीएनसी कंपनी में जो रिक्रूटमेंट निकली थी जिन्होंने नहीं देखी है जाके वो अप्लाई कर लो वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी थी लेकिन सुबिक्षा कंपनी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी मेरे को लगी क्योंकि जो मैंने इनकी प्रोफाइल देखी इनके बारे में सुना पड़ा काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी अच्छी कंपनी है इसमें आपकी ग्रोथ भी होगी और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं इस कंपनी से तो आज इसकी मैं फुल डिटेल आपको दूँगा कि क्या जॉब है क्या क्वालिफिकेशन मांगी है फ्रेशर्स के लिए भी होने वाली है और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर के लिए भी होने वाली है तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब के अपडेट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो तो आप सबको यहाँ अपडेट मिलते ही रहेगा कोई भी जॉब आएगी प्राइवेट सेक्टर में आप ऐसे किसी भी ऐप पे चले जाओगे इंडीड पे जहाँ नौकरी डॉट कॉम पर तो वहाँ चांसेस रहते हैं कि कंसल्टेंट आपको फ़ोन करके तंग कर सकते हैं लेकिन हम जो आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं सिविल इंजीनियरिंग जॉब जो आपको लिंक प्रोवाइड करती है वो जेनुअन लिंक रहेंगे डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे और अप्लाई कर दोगे ना आपको किसी को पे करना रहेगा ना किसी को पूछना रहेगा तो एक काफ़ी अच्छी जॉब निकल के आ रही है तो इसकी हम पूरी बात करेंगे तो पहले मैं आपको थोड़ा इनकी प्रोफाइल पे विजिट करवा देता हूँ श्रीमती गीता सुंदर जी जो इनके मतलब फाउंडर लगा लो कंपनी के जिन्होंने ये सेटअप की है तो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है तो इसकी हम जॉब पे अभी चलते हैं कि जॉब क्या निकल के आ रही है तो हम जाएंगे करियर पे ओपनिंग पे तो क्या निकल के आता है मैं बता देता हूँ आपको क्या है ओपनिंग निकल के आ रही है आप जैसे देख रहे हो व्यू एट ओपनिंग एट ओपनिंग है लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी चैनल ये डिज़ाइन किया है सिविल इंजीनियर्स के लिए तो मैं इसमें सिर्फ, सिर्फ सिविल इंजीनियर के बारे में ही आपको बताता हूँ तो सामने आप देख रहे हो जो जॉब निकल के आ रही है वो सबसे पहली जॉब है ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की तो इसमें क्या डिटेल इन्होंने मांगी मैं बता देता हूँ देखो जो जॉब निकल के आ रही है वो है चेन्नई तमिलनाडु में रहने वाली है इंडिया फुल टाइम आपकी जॉब रहेगी तो इसमें जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो या बी ही या बी टेक आप हो तो इसके लिए एलिजिबल होते हो तो इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं देखो इन्होंने लिखा only, है मस्ट दिस ओपनिंग इज़ फॉर फ्रेशर ओनली लेस देन वन एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जिसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है क्योंकि अगर आपने चार साल डिग्री किया है तीन साल डिप्लोमा किया तो आपको बिल्डिंग का तो नॉलेज हो ही गया होगा तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो आपको थोड़ा अगर कोर्स किया है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इन्होंने मस्ट लिखा है कि आप में कॉन्फिडेंस मोटिवेशन और विलनेस होनी चाहिए सीखने की क्योंकि एज ए फ्रेशर जब आप जाओगे तो जो प्रोविज़न पीरियड रहेगा पाँच छः छः महीने का वहाँ आप सीखोगे उनको लगेगा कि आप अच्छे हो तो आपको वहीं से उठाया जाएगा आपको ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए एम एक्स एक्सएल का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर स्किल थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए और देख लो इन्होंने लिखा है कि अगर आपको ऑटो कैड या एम एक्सेल वग़ैरह नहीं आता तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो आपको अप्लाई नहीं कर सकते हो तो जो आपकी डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी साइड एग्जीक्यूशन में आपको करनी है लेबर प्रोडक्टिविटी आपको करनी है वर्क शेड्यूल आपको करना है मतलब बेसिक जो डिमांड होती है साइड की एग्जीक्यूशन की वो आपको मांगी हुई है बाकी आपको डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो होती हैं आपको डेली रिपोर्ट करना है अपने जो भी सुपीरियर होंगे सीनियर होंगे जो मैनेजर होगा उसको और आपको जो मटेरियल का होगा उसका जो मेंटेनेंस होती है मतलब रिकॉर्ड रखना है उसका एस्टिमेशन आपको आनी चाहिए बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस जो रहती है वो आपको आनी चाहिए और साइट इंजीनियर को हेल्प करनी है आपको मतलब बेसिक चीज़ें उन्होंने मांगी है जो भी एज ए साइट इंजीनियर आपको काम आती हैं और एक काफ़ी अच्छी जॉब निकल निकल रही है तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो आपकी सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू बेस्ड होगी और आपको आप जो भी रिज्यूम भेजोगे उसमें जो अपना वर्किंग मेल रहेगा वो आपको इसमें डालना है और आपको कोई वाकई नहीं इंटरव्यू नहीं देना आपको फ़ोन ही को हो जाएगा मैं बस क्या करना है आपको अप्लाई कर देना है उसके बाद वेट करना है आपको मेल आएगा और फिर उस, उस पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि, कि कब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ रहा है या जो भी है तो एक इसको मैं अप्लाई करके दे दिखा देता हूँ उसके बाद हम एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ेंगे एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या निकल के आ रहा है तो इसमें हम अप्लाई यहाँ क्लिक करेंगे जैसे ही तो इनकी जो पेज है उस पर खोला आएगा वो उसमें मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है और जो मैंने उसमें लिंक दे दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं आपको घूमने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है गूगल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लेके आएगा डायरेक्ट यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है लास्ट नेम ई अपना वर्किंग फोन और अपना रिज़्यूम अच्छा सा बना के इसमें डाल देना है रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ एक अच्छा सा रिज्यूम बनाओ वो मैं डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो डाल दूँगा कि कैसा आपका रिज्यूम होगा तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है और इधर तरह लिखना है वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब वो आपने यहाँ डाल देना है क्यों इंटरेस्ट हो इस जॉब में फिर आपको जेंडर अपनी अपर ग्रेजुएशन के बारे में बताना है बेसिक आपको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपको बताना है अगर नहीं है तो नहीं डालना है फिर अपना प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस और आपके पास व्हीकल है कि नहीं वो आपको डालना है फिर आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ डालना है फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपको ये वैकेंसी मिली तो वो आपको बता देना है तो उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देने है। ये हो गया फ्रेशर्स के लिए कि फ़्रेशर्स को कैसे अप्लाई करने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ अभी मैं बताता हूँ आप अगर वो हो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हो तो आपको कहाँ अप्लाई करना है क्या जॉब आपके लिए निकल के आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो जो एक्सपीरियंस वालों के लिए निकल के आ रही है दो जॉब निकल के आ रही है तो फ्रेशर्स के लिए भी है वो भी एक और जॉब है फ्रेशर्स के लिए वो भी बता देता हूँ मैं तो इसमें जो जॉब निकल के आ रही है वो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की है सिविल एग्जीक्यूशन की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो इन्होंने आपका एक्सपीरियंस मांगा अगर आपका डिप्लोमा है तो आपका पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बी है तब भी आपका पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में और अगर एम ई e. हो आप तो आपका तीन साल का अगर एक्सपीरियंस है हाई राइज बिल्डिंग रेजिडेंशियल टाउनशिप एंड प्लान लेआउट में तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो इसमें इन्होंने लिखा है ओनली कैंडिडेट हैवी एक्सपीरियंस वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपका जो काम रहेगा सुपरविज़न का रहेगा मैनेजमेंट का रहेगा कोऑर्डिनेशन का रहेगा जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम रहता है जो आपके जूनियर होंगे जूनियर इंजीनियर होंगे सुपरवाइजर होंगे उनको गाइडेंस देनी उनको से काम करवाना है बेसिक चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं तो इसको भी सेम आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता तो यहाँ आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो वहाँ आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म आएगा जो तो वहाँ आपको फिलअप कर देना अभी मैं दूसरी जॉब की तरफ बढ़ता हूँ क्या जॉब है वो क्वान्टिटी सर्वेयर की जॉब निकल के आ रही है तो इन्होंने इसमें मिनिमम चार साल का एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास चार साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप डिप्लोमा या बी ई आ तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो आपके पास एक्सेल की स्किल होनी चाहिए आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए और स्पेसिफिकेशन जो वर्क की रहती हैं स्किल्स आपके पास होने चाहिए और सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल वगैरह भी आपको बनाना आने चाहिए तो इन्होंने जैसे बताया आपको क्या क्या आना चाहिए रेट एनालिसिस प्रोजेक्ट बजट आर बिल बनाना चाहिए विकली जो होता है मतलब जो सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स होते हैं उनको कॉस्ट एनालिसिस बेसिक जहाँ सब आप देख रहे हो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की ही हैं ये चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए तो इसको भी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है नीचे यहाँ अप्लाई लिंक दिया इस पर क्लिक कर देना है ये जो भी जॉब मैंने बताई काफ़ी अच्छी जॉब है काफ़ी अच्छी कंपनी है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ आप जाके क्लिक करोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और अप्लाई कर देना डायरेक्ट अच्छा सा रिज्यूम बनाकर रिज्यूम की वीडियो में डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी डाल चुका हूँ अप्लाई का उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना थैंक यू गैस